साहब जो कि क्रॉसिंग रिपब्लिक में डॉक्टर साहब के नाम से जाने जाते हैं और आईआईटी आई उड़की जो पूर्व में यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की थी उसके सन बयासी के सिविल इंजीनियरिंग के स्नातक हैं आपकी हेम्योपैथी में काफी रुचि है मैंने देखा है कि उड़की यूनिवर्सिटी के जितने भी स्नातक होते हैं वो पूरी पारदर्शिता के साथ अपनी बात कहते हैं और कहीं कोई कमी पाई जाती है उसको स्वीकारते भी इसीलिए हमारी ये चर्चा मैं मानता हूँ ज़्यादा प्रभावी रहेगी और भारत सरकार ने जो वर्तमान में प्रयास किए हैं कि हम अपने एज ओल्ड ट्रेडिशंस के बारे में जाने एज ओल्ड जो हमारा मेडिकेशन था उसके बारे में जाने और आजकल बच्चे भी इसमें काफ़ी रुचि लेने लगे हैं और मेरी तो ज़्यादा रुचि रुझान इस सब्जेक्ट में नहीं था मगर मुझे लगता है कि धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है तो आज हम चर्चा कर रहे हैं हेमोपैथी के बारे में और मैं शायद आप परिचित भी होंगे कि भारत सरकार ने एक आयुष नया विभाग बनाया है मंत्रालय जिसमें ए से आयुर्वेदा है वाई से योगा और नेचोपैथी है यू से यूनानी है एस से सिद्धा सिद्धि और एच सबसे बाद में हेमोपैथी है तो मैं आज चर्चा हेमोपैथी पर ही करना चाहूँगा और मैं जानना चाहूँगा सक्सेना साहब से कि हेमोपैथी शब्द का मतलब क्या है सर पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि होम्योपैथी की शुरुआत कैसे हुई जी इसके फादर कहे जाते हैं जी वो खुद एक बहुत बड़े एलोपैथ थे जी लेकिन उनकी बेटी को मलेरिया हो गया और वो अपनी बेटी की जान नहीं बचा पाए जी तो उनके दिमाग में ये आइडिया आया या उनके दिमाग में ये स्ट्राइक हुआ कि जिस पैथी का मैं डॉक्टर हूं और मैं अपनी बेटी की जान नहीं बचा पाया हूं तो ये हमारे लिए बेकार है और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी और उसके बाद वो अपने जीव के लिए अर्निंग के लिए मेडिकल्स की बुक्स का जो ट्रांसलेशन था वो उन्होंने करना शुरू कर दिया उसमें एक सेंटेंस आया था कि विष बिश को बिशी काटता है जी। ये एक लाइन थी जिसने होम्योपैथ का उदय किया है जी तो उन्होंने क्या किया कि जो है ये एक पेड़ की छाल होती है सिमकोना उसका नाम होता है बायोलॉजिकल बॉटनिकल नेम जी। उन्होंने उस पेड़ की छाल को उबालकर खुद पिया जी। तो उनको वो सारे सिम्टम्स महसूस हुए जो किसी मलेरिया के पेशेंट को होते थे जी। उनके दिमाग में ये आइडिया स्ट्राइक किया कि इसका मतलब है कि अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति में अगर हम कोई चीज खिलाते हैं या कोई ऐसी वनस्पति या कोई मिनरल्स तो उससे जो सिम्टम्स क्रिएट होते हैं वो ही उस बीमारी को ठीक भी कर सकते हैं ओके। okay. क्योंकि वो मेडिकल क्षेत्र से थे तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स या जो लोग उनके कांटेक्ट में उन पर उन चीजों की प्रूविंग शुरू की जी। और जो उसको चेंज महसूस होता था जी. वो उन्होंने लिपिवस्त शुरू करना शुरू किया जी. फिर धीमे धीमे उन्होंने देखा कि जब हम दवा की मात्रा कम करते चले जाते हैं जी। तो उसकी इफिशियंसी बढ़ती चली जाती है फिर वहां से पोटेंसी का जन्म हुआ और मैं आपको बताना चाहूंगा जितने भी संसार के प्रसिद्ध होम्योपैथ हैं वो सभी पहले एलोपैथ थे चाहे डॉक्टर कैंट हो चाहे डॉक्टर नेश हो या अन्य कोई डॉक्टर ये सभी अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध एलोपैथ थे और उनकी रोडिंग प्रैक्टिस हुआ करती थी लेकिन जब उनको होमोपैथ समझ में आई या कुछ ऐसा प्रभाव उनके जीवन पे पड़ा तो उन्होंने अपनी उस पद्धति को त्याग कर पूर्णतः होमोपैथ बन गए डॉक्टर साहब मैंने तो ये सुना था कि होमोपैथी की इजाद लगभग 300 साल पहले जर्मनी में हुई थी हिंदुस्तान में इसकी क्या स्थिति थी या जो मुझे पता है वो कितना सही पता है थोड़ा सा प्रकाश इसमें जहां तक मुझे जानकारी है महाराजा रंजीत सिंह के टाइम में उनको कुछ बीमारी थी और वो शायद उस समय उसका इलाज नहीं हो पा रहा था तो कोई होम्योपैथ आया था तो उसने सिम्टम्स के आधार पर एक दवा आती होम्योपैथ में डलका मारा और उसको यूज किया था उसके बाद वो बीमारी ठीक हो गई थी उसके बाद इस देश में होम्योपैथ का विकास हुआ और उस समय को क्वेक कहा करते थे मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं तो अभी तक ऐसा समझता था कि जो लोग सर्जरी से अपने को बचाना चाहते हैं वो होम्योपैथी आयुर्वेदा वगैरह पे जाते हैं Uh, आप क्या सोचते हैं कि सर्जरी इज ए पार्ट ऑफ होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा और नॉट देखिए जो हमारा पुराना लिटरेचर है जिसमें आयुर्वेद की अगर बात करते हैं तो सुषमा या इस टाइप के जो लिटरेचर है उसमें तो जिक्र है सर्जरी का लेकिन होम्योपैथ के कोर्सेज में सर्जरी पढ़ाई तो जाती है लेकिन मुझे नहीं लगता कोई होम्योपैथ का डॉक्टर सर्जरी करता है उसका कारण यह है कि सर्जरी पढ़ाना इसलिए आवश्यक होता है कि आपको अपनी बॉडी की टोटल एन, एनाटॉमी मालूम पड़ जाए इसलिए मुझे लगता है कि सर्जरी उनकी उनकी स्टडी का एक पार्ट है डॉक्टर साहब मैंने देखा है कि बीएचएमएस एच एम एस मेडिसिन एंड सर्जरी वर्ड जुड़ा हुआ है मैं सोचता हूँ उसको साइंस होना चाहिए क्योंकि सर्जरी तो बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है और hmm. संज्ञान में यह है कि ये इंटर्नशिप के साथ लगभग साढ़े पाँच ईयर्स का कोर्स है और इसके नेशनल लेवल के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट नोएडा में भी हैं कलकत्ता में भी हैं बंगलौर में भी हैं पूना में भी हैं और काफ़ी आजकल के टाइम में बच्चे इसमें रुचि ले रहे हैं और इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन भी है तीन साल की yes, और इंटर्नशिप तो है ही है और एम बी बी एस की भांति ये बहुत लंबी पढ़ाई है तो मैं मेरा मेरी थोड़ी सी संशय ये रहती है कि ये एलोपैथी में तो कहा जाता है कि साहब ये जड़ से नहीं निकालती है ये सप्रेस करती है एलोपैथिक मेडिसिन और आपको कुछ इलाफेक्ट भी दे सकती है मगर होम्योपैथी में ऐसा नहीं है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ देखिए ये मैं कहना चाहूंगा होम्योपैथ में दवा दी जाती है और सॉरी एलोपैथ में दवा दी जाती है होम्योपैथ में हम लोग वर्ड यूज करते हैं क्योर दूसरा जब हम एलोपैथ की बात करते हैं तो वो लोकलाइज ट्रीटमेंट की बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके सिर में दर्द हो रहा है आप किसी फिजिशियन के पास जाइए उससे कहिए सिर में दर्द हो रहा है तो वो केवल इस पर ही फोकस करेगा लेकिन जब हम होम्योपैथ के पास जाते हैं तो वो एज ए बॉडी आपको ट्रीट करता है उस दर्द का कारण क्या है कभी कभी क्या होता है कि दर्द सिर में हो रहा है लेकिन कारण कहीं और एग्जिस्ट करता है और हम उस कारण को ढूंढने की कोशिश करते हैं और जब कारण मिल जाता है कि दर्द इस कारण से हो रहा है या जो भी बीमारी है इस कारण से हो रही है तो दवा सटीक काम करती है डॉक्टर साहब वो मेरे ज्ञान में यह है कि बॉडी में ब्लड में स्पेशली केमिकल कुछ चेंजेस हो जाने की वजह से अनबैलेंस होता है और बीमारियां फैलती हैं और शायद होम्योपैथिक मेडिसिन उनको बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल में आती है। देखिए इसमें मैं कुछ कहना चाहूंगा मैं जब कानपुर था तो हमारे पास में एक मेडिकल कॉलेज था होम्योपैथ का तो उसमें मैं कभी कभी लेक्चर देने जाया करता था उनकी जो मीटिंग होती थी उसमें मैं जाया करता था उसमें अपने थॉट्स जो है उनको शेयर किया करता था मैंने एक बार उनके उनके डॉक्टर्स बैठे थे बड़े बड़े डॉक्टर्स तो मैंने उसमें कहा कि होम्योपैथ के किसी भी डॉक्टर को निमू में होम्योपैथ काम कैसे करती है इस बात पर काफी लोग नाराज हुए लेकिन उनमें से एक जो सीनियर डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मिस्टर कुमार इज राइट रियली आज की डेट में होम्योपैथ काम कैसे करती है ये कोई नहीं जानता अब हम आते हैं कि होम्योपैथ जो हमने अपनी एनालिसिस की है या जो थॉट्स बनाए हैं कि कैसे काम करती है मान लीजिए कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट होता है और जब वो क्रिटिकल स्टेज में होता है तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि बॉडी रेस्पॉन्स नहीं कर रही है इवन आफ्टर बेस्ट मेडिकेशन ये बॉडी रेस्पॉन्स नहीं कर रही है इसका क्या मतलब इसका मतलब है कि दवाइयां बेस्ट सिलेक्टेड हैं लेकिन आपकी जो अंदर की जो इम्यूनिटी है या अंदर की पावर है उसने रेस्पॉन्स करना बंद कर दिया है इसलिए कोई भी दवा जो है आपको स्वस्थ नहीं बना रही है. अगर केवल दवा ही स्वस्थ बनाती तो बॉडी रेस्पॉन्स करे या ना करे आपको स्वस्थ हो जाना चाहिए होमोपैथ में जो भी कहते हैं कि आपकी बॉडी रेस्पॉन्स नहीं कर रही है इसीलिए होमोपैथ दवा से जो आपकी रेस्पॉन्स पावर है या जो आपकी अंदर की जो चेतना शक्ति है वो ज्यादा तेज हो जाती है और उसके बाद बॉडी की खे, अपने से शुरू होती है इसीलिए जो पे दवा है वो कभी पेट से काम नहीं करती है पेट से काम करने का मतलब यह है कि आपने दवा लिया और खाली पेट में पहुंच गई तो दवा बेकार है वो आपके लिए दवा कोई भी हो चाहे लिक्विड फॉर्म में हो या गोलियों के रूप में हो उसको जीप पर रखकर चूसना पड़ता है हमारी जो जीव है या जो टंग है ये नर्वस सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे सारी नफ्स जुड़ी हुई है जैसे ही आप दवा को जीप पर रखते हैं तो वो दवा जीप के माध्यम से आपके पूरे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है इसीलिए कहा जाता है कि जब आप पर दवा ले रहे हैं उसके आधे घंटे पहले आधे घंटे बाद कुछ ना लें। अगर आपने कोई चीज खा ली है तो उससे क्या होगा कि दवा का असर खत्म हो जाएगा और दवा वो काम नहीं करेगी डॉक्टर साहब हमने देखा है कि जब हम बच्चे थे तो हमारे पिताजी एक होम्योपैथिक मेडिसिन का एक डिब्बा रखते थे शायद लाल रंग का था उसमें से मैं एक किताब भी थी और हम लोग बीमार पड़ते थे तो वो उससे देख के हम लोगों को दवाइयाँ दे देते दे दे थे, थे और प्रारंभिक उपचार बहुत अच्छी तरह हो जाता था मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये तो पचास साल या साठ साल पहले की विधा थी या सत्तर साल पहले की हम तो अब सत्तर बहत्तर के हो रहे हैं तो अब वर्तमान में ये मैं कुछ सुधार आया होगा निश्चित रूप से कुछ लोग आग अपने घर में बैठ के अपना ट्रीटमेंट खुद कर सकते हैं इस प्रकार से जैसे कि पहले करते थे या होम्योपैथिक डॉक्टर को ही कंसल्ट करना जरूरी होता है हाँ इसमें अभी जब कोरोना टाइम चला था तो बहुत से लोग मुझसे जुड़े हुए थे मैंने अपना एक ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप बनाया हुआ था और उसमें लोबा मुझसे फोन के माध्यम से एडवाइस ले लिया करते थे तो उसमें मैंने क्या किया था कि उनको लगभग पंद्रह बीस दवाइयां बता दी कि इमरजेंसी में हमेशा काम आ सकती हैं अब होता क्या है कि मान लीजिए रात में आपके पास दो बजे कॉल आई किसी का मैसेज आया तो आप दो बजे जाकर दवा ना दे सकते हैं ना वो आ सकता है आपके पास ये एक प्रॉब्लम रहती है मैं इसको अवॉइड भी करता हूँ लेकिन अगर दवा आपके पास है रखी हुई है तो मैं उनको उनके सिम्टम के बेस पे बता देता हूँ कि दवा ले लो फायदा हो जाएगा और काफी लोगों को फायदा भी हो जाता है अच्छा दूसरा इसमें मेरा एक अपना और कहना है कि देखिए अब हम लोग पहले के मुकाबले लिटरेट हो गए हैं जो लिटरेसी रेट है ज्यादा है दूसरा क्या है कि हेल्थ आपकी है हेल्थ डॉक्टर की नहीं है जब आप यह जानते हैं कि हमारा मोबाइल कैसे चलता है हमारी गाड़ी कैसे चलती है हमारे बाकी जो एप्लीके हैं वो कैसे चलते हैं हो सकता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ना हो लेकिन आप अपने एप्लीकेंसेस ठीक करना जानते हैं चलाना जानते हैं हो सकता है आप आई इंजीनियर ना हो लेकिन आप छोटा मोटा काम अपने घर पर कर लेते हैं लैपटॉप का मोबाइल का तो ऐसे ही जो आपकी बॉडी है ये कैसे स्वस्थ हो सकती है या किन दवाइयों का यूज करके हम शुरुआत में ठीक हो सकते हैं इसके लिए मैं तो एडवाइस करता हूं कि हर व्यक्ति को होम्योपैथ की जानकारी होनी चाहिए और कुछ अच्छी बुक्स हैं उनको पढ़कर उनकी जानकारी ले सकते हैं डॉक्टर साहब ये बायोकेमिक एक शब्द है बहुत सुना जाता है और वो कॉलीफॉस और कैल्क्रिया फास और, और मैग्नीशियम फास जाने कितनी चीज़ें हैं तो एक चीज़ ये है कि पोटेंसी का जो आपने नाम लिया मेरे अज्ञान में थ्री एक्स से लेके टू हंड्रेड एक्स तक की पोटेंसी होती है जैसे एलोपैथ में फाइव एम जी वन एम ट्वेंटी एम टू हंड्रेड टू हंड्रेड एम जी की भी वो लोग बात करते हैं और जब आप डॉक्टर के पास जाइए तो जैसे कि मैं नहीं समझता मैं बीपी पेशेंट हूँ मैं नहीं समझता मुझे इतना गंभीर कोलेस्ट्रॉल है मगर वो डॉक्टर मानते नहीं हैं और वो ज़्यादा मिलीग्राम की मेडिसिन हमको देते हैं मैंने एक बार हाफ कर दी और मैंने देखा कुछ फर्क नहीं पड़ा डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर डांटता है कि आप ये डॉक्टर खुद को आप इंजीनियर हैं इंजीनियर ही बने रहें और डॉक्टर बनने की कोशिश क्यों करते हैं तो मैं ये थोड़ा सा ये जो बायोकेमिक के बारे में और पोटेंशी के बारे में किस तरह से आप बढ़ाते घटाते हैं इस तरह से ये इसी के अलावा जो आपकी काली फॉस है या मैग्नीशियम फॉस है या फॉस है इन जो स्टैंडर्ड बायोकेमिक कैमिक मेडिसिन हैं उनके बारे में थोड़ा सा व्याख्यान करिए हाँ सर देखिए बायोकेमिक जो है होमोपेस्ट से टोटली अलग है बायोकेमिक में ये जो बारह दवाएं हैं दे आर साल्ट और इन साल्ट से ही हमारी हमारा शरीर बना हुआ है उनका ये कहना है कि जब बॉडी में साल्ट की कोई कमी हो जाती है तो आपको बीमारी हो जाती है और मेरी जर्नी जो है इस बायोकेमिक से ही शुरू हुई है तो मैं इसको तो बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं मैं आपको एक किताब दिखाना चाहूंगा ये दरबारी जी की किताब है 1954 की, जी। ये इस किताब को मैं गोल्ड बर्थ से ज्यादा वैल्यूबल समझता हूँ फतेहपुर पोस्टेड था तो मैंने इसकी ये आउट ऑफ द प्रिंट हो चुकी उसी समय हो गई थी मैंने जहां इसका पब्लिकेशन था निकलवा कर इसकी बुक्स बहुत बांटी हैं। उसका कारण यह है कि मैं बरेली जब मेरी पोस्टिंग थी तो मेरा बंगला जो था आउटस्कर्ट में था और मेरी को एक दिक्कत हो गई वाइल वन सिने, सिने मंथ पेट में सीवियर पेन होता था और पेन की सीवियरिटी इतनी ज्यादा थी कि बिना आईवी दिए हुए वो पेन सब्सिडाइज नहीं होता था और उसमें लगभग दुबारा नॉर्मल आने में वीकनेस आ जाती थी फिर दर्द रहता था ये 48 आवर्स लगते थे ओके okay. उस समय हमने सारे बेस्ट पॉसिबल टेस्ट कराए डॉक्टर्स को दिखाया रिपोर्ट्स सारी नॉर्मल आती थी कहीं आपको जाना है तो पहले आप पता कर लीजिए आसपास रात में कोई कंपाउंडर है कब दर्द उठ जाए कोई नहीं जानता था और पेन इतना सीवियर था कि अनटॉलेबल अब होता क्या है कि जब आप थोड़ा सा अगर अपना शौक रखते हैं तो आप भी उस बीमारी के एक्सपर्ट हो जाते हैं अगर आपके घर में कोई बीमारी है है मुझे याद है कि बरेली में एक डॉक्टर तो तो और, और जब कभी दर्द हो तो आप, आप उसी समय लेके आइएगा तो रात को एक बार एक बजे दर्द उठा और मैं उसी समय पहुंच गया दस किलोमीटर दूर उनका क्लिनिक था उनको नॉक किया वो आ गए उन्होंने कहा नहीं हाथ जोड़ लिया कि अब आप ऐसा करिए कि कहीं और ट्राई कर लीजिए मैं नहीं समझ पा रहा हूं तब मुझे दरबारी साहब मिल गए और इसमें एक था का जी, मैंने गर्म पानी में घोल के इसको पढ़ के दिया तो आप विश्वास नहीं करेंगे सर कि दर्द जो था वो हो गया जी, जो प्रॉब्लम लगभग दो सालों से चल रही थी कोई उसका सलूशन नहीं था और वो इस दव, दवा के कम्बिनेशन से ठीक हो गया फिर बरेली में एक दो डॉक्टर बहुत अच्छे डॉक्टर थे डॉक्टर आर्या थे मैंने उनको कंसल्ट किया सारी रिपोर्ट दिखाई उन्होंने ट्रीटमेंट किया तो वो दर्द लगभग खत्म हो गया अब मेरा इंटरेस्ट इसमें जग गया जब इंटरेस्ट जग गया तो मैंने बहुत अच्छी लाइब्रेरी मेंटेन की फिर उसके बाद मैंने मैं दिल्ली में उस समय बी जन पब्लिशर्स होते थे उनसे बहुत लिटरेचर मंगाया मेरा कोई मेंटर नहीं था तो कुछ कुछ चीज़ें समझ में आने लगी और मुझे लगा कि ये तो एक एडवांस सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिसमें पढ़ना चाहिए फिर मैं जब मैं कानपुर हमारी पोस्टिंग हुई थी तो कानपुर में एक रिटायर्ड आई थे वो चैरिटेबल चलाते थे क्लिनिक वे उनसे मुलाकात हो गई तो उन्होंने मुझे मौका दिया तो मैं उनकी क्लिनिक में जाके बैठा करता था तो लगभग लग दस से लेकर पंद्रह बीस पेशेंट डेली आते थे और भगवान कृपा से उनको फायदा हो जाता था फिर इतफाक कुछ ऐसा हुआ कि एक पेशेंट मिला मुझको जिसको लिक्वरमा हो गया था और उसका भी लगभग एट्टी परसेंट होम्योपैथ दवा से ठीक हो गया ये। तो ये कुछ जो शौक थे लोगों को फायदा होने लगा तो इसने मुझे बहुत ए, इंकरेज किया इसको और डेप्थ में जाने पर तो मैंने स्टडी की कुछ ऊपर वाले की कृपा रही तो लोगों को दवा से फायदा होने लगा तो मुझे भी अच्छा लगता है कि जब कोई कहता है कि आपकी दवा से ठीक हो गए थोड़ा जानना चाहता हूँ तो हम मैं भी इंजीनियर ही हूँ और मैंने कभी बुरा नहीं माना कि हमारे फील्ड में कोई हस्तक्षेप ना करे मैं कभी नहीं कहता कि भाई आप डॉक्टर हो इंजीनियरिंग आपके समझ में नहीं आएगी मगर जनरली डॉक्टरों में ये चीज़ पाई जाती है कि वो कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो आँख मीच के आप विश्वास करिए और हमसे ज़्यादा बहसबाजी मत करिए आप आप इंजीनियर हैं अपनी इंजीनियरिंग अपने पास रखिए आपकी क्या सोच है इस बारे में क्योंकि मुझे ये लगता है कि स्टैंडर्ड मेडिसन्स जो हैं होम्योपैथी में भी हैं और एलोपैथी में भी हैं और हो सकता है कि एक हजार स्टैंडर्ड मेडिसन्स हो एलोपैथी में होम्योपैथी में हो सकता है कि दो सौ तीन सौ ही हो और उन्हीं के ज्ञान से ही सिम्टम्स के आधार पर होम्योपैथिक डॉक्टर भी ट्रीटमेंट करता है मेडिसिन रिलेटेड और एलोपैथिक डॉक्टर भी करता है तो मेरा मानना यह है कि थोड़ी बहुत पोटेंशी चेंज करना या मिलीग्राम ऑफ मेडिसिन चेंज करना पेशेंट ज्यादा अच्छी तरह समझ सकता है क्योंकि डॉक्टर के पास तो समय ही नहीं है ना वो जाइए एलोपैथिक डॉक्टर के पास एक हजार रुपया डेढ़ हजार कोई कोई तो दो हजार तक फीस लेता है और समय है नहीं समझता है नहीं और वो कहेगा वो डांट के और बगा देता है आपकी थोड़ा बताए इसमें थोड़ा समय कहना चाहूंगा कि देखिए कुछ प्रोफेशन नोवल प्रोफेशन कह जाते हैं भाई आप देखिए किसी डॉक्टर पास जाइए तो डॉक्टर को जो पेशेंट है वो नेक्स्ट टू गॉड मानता है तो जब आपको इतनी बड़ी पदवी दी गई है पब्लिक के द्वारा तो आपको उसका तो ध्यान रखना पड़ेगा दूसरा क्या है कि आज हम मनी माइंडेड हो गए हैं उनके लिए पेशेंट एक ऑब्जेक्ट है लेकिन जब पेशेंट किसी का चला जाता है तो उसका परिवार खत्म हो जाता है अब जो हेल्थ सेक्टर है या जो हमारा स्वास्थ्य है ये लोगों को तब समझ में आता है जब वो समझते हैं कि मैं बीमार हो गया हूं ये मैंने कोरोना के पीरियड में देखा है अब मैं आपको अपना खुद का एग्जाम्पल दूंगा कि मेरा कितना विश्वास है वो पे, पे मुझे एक बार मैं स्कूटर से जा रहा था एक कुत्ते ने रास्ते में पैर मेरा काट लिया अब क्या हुआ कि मैं ये सब चीजें घर पे बताता नहीं जब मैं आया तो साफ अब करा था मिस्त्री ने देख लिया अब वो पूरा में चर्चा का विषय हो गया कि कुत्ते ने काट लिया है अब वो ये था इंजेक्शन लगवाओ मैंने कहा कि मैंने अपनी दवा ले ली होम्योपैथ की होम्योपैथ में दवाएं हैं जो एज गुड एज इंजेक्शन है और बहुत लोगों ने जो हमारे जानने वाले थे फ्रेंड्स थे रिलेशन में थे सब ने कहा कि इंजेक्शन तो लगना चाहिए कुत्ते ने काटा है और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने दवा अपनी ही ली और मैं आज तक स्वस्थ हूँ रीजन ये है कि हमने क्या किया है कि एक अपने चाव तक घेरा बना लिया कि उससे आगे हम सोचने को तैयार नहीं है मेरा ये कहना है होम्योपैथ मिराकिल्स हैपन इन द होम होम्योपैथ और ये एक ऐसी साइंस है या एक ऐसी विधा है जो समय से पहले आ गई है अगर ये विधा या ये साइंस आज से पचास साल बाद आती या इसके सीक्रेट ओपन ना किए जाए तो गवर्नमेंट लाखों रुपए अपने बजट का खर्च कर देंगी आपसे इसका फॉर्मल लेने के लिए अब मैं आपसे इसमें एक चीज बताऊंगा कि अगर मान लीजिए आपको बुखार होता है तो इंडिया के किसी भी पार्ट में चले जाइए तो दवा आपको एक ही मिलेगी पैरासीमेटॉल चाहे बुखार किसी टाइप का हो लेकिन होम्योपैथ में बुखार की लगभग लग सौ दवाइयां हैं और वो सिम्टम बेस के ही दवाई आपको मिलेगी कि किस सिम्टम के हिसाब से आपको दवा मिलनी चाहिए तो जो चीज एडवांस सिस्टम है उसको हमने क्या किया है कि एक ये मानते हुए कि छोटी छोटी सी गोलियां हैं ये क्या काम करेंगी उसको साइड में रखा है मेन स्ट्रीम में नाए हैं अब अब मैं आपको एग्जाम्पल और देना चाहूंगा कि मेरे मेरे छोटे बहनों ही थे देवास में टाटा एक्सपोर्ट में उनको चेस्ट में पेन हुआ उस समय एंजियोग्राफी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं थी तो लोगों ने कहा कि आप दिल्ली जाइए या बॉम्बे जाइए वहीं आप इसका इलाज कराइए कानपुर में कार्डोलॉजी जो है अच्छा इंस्टीट्यूट है हार्ट का तो मैंने कहा किसी तरीके से आप यहाँ आ जाओ और डॉक्टर रमेश ठाकुर बहुत अच्छे डॉक्टर थे मैंने कहा उनसे लिखवा दूंगा मैं उनसे टाइम लिया तो उन्होंने कहा हफ्ते बाद आपको डेट मिलेगी अब उसके बाद इस बीच में एक हफ्ते में मैंने अपने पास से दो दवाइयां दी दो या तीन दवाइयां दी थी सर आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब उनके एंजियोग्राफी कोई ब्लॉकेज नहीं है उन्होंने कहा परहेज डॉक्टर साहब कह रहे कोई परहेज नहीं है उसके बाद हमारे घर में फंक्शन था तो उनसे कहा जब परेज ही नहीं आप पूरी खा लो तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि उनके मुंह में पूरी नहीं जा रही थी कि इतना परहेज कर चुके थे वो तो जो एक साइको फियर हम क्रिएट कर देते हैं जी, वो मेरा हिसाब से ज्यादा खतरनाक होता है पेशेंट के लिए ना कि उतनी बीमारी अच्छा डॉक्टर साहब ये कहा जाता है कि ये जो मेडिसिन है नॉन कन्वेंशनल या होम्योपैथी हो चाहे आयुर्वेदा हो ये क्रोनिक डिजेज के लिए रामबाण है क्योंकि ये अल्टीमेटली आपको सर्जरी से बचाती है तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए ये कहाँ तक सत्य है देखिए मेरा तो ये सोचना है कि कि जहां तक डीएनए वाली प्रॉब्लम है अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो ड्यू टू आपके डीएनए की वजह से है वो दवा वो प्रॉब्लम भी होम्योपैथ की वजह से ठीक हो सकती है जब हम होमोपैथ में किसी पेशेंट को लेते हैं तो उसमें तीन पार्ट आते हैं बीमारी एक्यूट है या क्रोनिक है अगर क्रोनिक है तो उसमें उसकी हिस्ट्री क्या है उसके पेरेंट्स की हिस्ट्री क्या है उसके ग्रैंडफादर एंड मेटर साइड दोनों से उनकी हिस्ट्री क्या है वो बीमारी या उस जैसी कोई बीमारी उनके यहां तो नहीं थी प्लस उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन उसको भी ध्यान रखना पड़ता है तब दवा निकल के आती है दवा निकलने के बाद उसकी पोटेंसी क्या होगी ये भी डिसाइड करना पड़ता है कुछ दवाएं लोअर पोटेंसी में अच्छा काम करती हैं कुछ हायर पोटेंसी में अच्छा काम करती हैं तो इट्स ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नॉट सो इजी अब इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए आपको दर्द हुआ या बुखार आया तो एलोपैथ का जो बेसिक कंपाउंडर जो होगा वो भी आपको पैरासिमटोल दे देगा लेकिन और उसको वो उसका प्रिलिमिनरी स्टेज है जिसमें वो आपको एक टेबलेट दी, आपका बुखार उतर गया बाद में जो टेस्ट है वो बात की बात है लेकिन एक डोज होमोपैथ की कौन सी आपके लिए काम करेगी वो होमोपैथ वाले को कम से कम 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तब वो एक डोज दो, आपके मुंह में डालेगा बुखार ठीक अच्छा जी डॉक्टर साहब ये है कि स्लो काम करती है तो बिल्कुल स्लो नहीं काम करती है दवा का सिलेक्शन हमारा गलत हो सकता है जिसकी वजह से दवा नहीं काम कर रही है अगर दवा सही सिलेक्ट की है तो वो रिजल्ट दिखाती है डॉक्टर साहब ये दवाइयों के जो मैनुफेक्चर वाले जैसे शायद रेनवेक्सी है एस है ये सब इंडियन है या सब जर्मनी से आती हैं कहाँ से आती हैं

या साइकेट्रिक होते हैं तो आपके हिसाब से इन सब का निदान होम्योपैथी में है बिल्कुल सर अच्छा नहीं, नहीं। और, और हम जैसे बुढे लोग जो हैं इन दिनों नींद कुछ कम आती है रात में तो मैं चाहूंगा कि कुछ स्टैंडर्ड मेडिसिन भी नहीं, आप बताएं जिससे कि वो जो हमारा ये जो चैटबॉक्स होगा इसके नीचे जो हम यूट्यूब में शेयर करेंगे उसमें भी अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे तो उसमें आप दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा तो आपके हिसाब से माइग्रेन माइग्रेन तो नहीं कहा जाएगा नींद ना आना बहुत अच्छी उसके लिए कोई अच्छी दवा हो कोई बताइए आप क्या हो सकती है देखिए नींद ना आने पर दो दवाएं अच्छी यूज की जाती हैं जिसमें एक क्यू है क्यूं में, और एक ये। ये दोनों अच्छा काम करती अलावा अगर, अगर किसी वजह से मेंटल टेंशन है या अनिजीनेस है तो कालीफा जो है ये आप ले लीजिए तो आपको इसमें आराम मिलेगा और कालीफाज तो मैं हर एक को एडवाइज करता हूं कि उसके पर्स में रहनी चाहिए हमेशा ये मिराकिल मेडिसिन है बायोकेमिक की जब भी आपको अनिजी महसूस हो तो कालीफास की चार गोलियां मुंह में डाल लीजिए आपको आराम मिलेगा आपका कहना है कि अगर आपको हार्ट रिलेटेड भी कोई इशू महसूस हो रहा है या पहले से रिलेटेड भी कोई इशू महसूस हो रहा कालीफास ले लीजिए जेब में रखिए दे, देखिए कालीफास उसमें काम करेगी लेकिन अगर जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है हमारे कुलीग थे मैं कुग है उनको हार्ट अटैक पड़ा सबसे पहले कॉल मेरे पास ही आया था तो मैं उनको अपनी गाड़ी से लेकर कार्डोलॉजी तक गया और रास्ते में मैंने अपनी जो दवाईया होमोपैथ की हैं वो बना लिया उनको डालता उनके मुंह में डालता गया थोड़ी थोड़ी सी और उनको मैंने कार्डोलॉजी पहुंचा दिया और बाई गॉड गेस वो ठीक से अपना पहुंच गया उनका इलाज हो गया और जो भी उनका बाद में हुआ ठीक हो गए वो अच्छा। तो अगर किसी को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें दो दवाएं अपने घर में रखनी चाहिए आर्सेनिक थर्टी एंजैना जिनको रहता है और बायोकेमिक की तीन दवाएं हैं नेट्रम्यूर कैल्किफास और फेरम फास्ट अगर आपको दिक्कत हो रही है तो चार चार गोलियां इनकी निकालिए जीप पर रख लीजिए आपको आराम तो मिलेगा उसके बाद आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है जिससे कंसल्ट करना करते रहिए आपको ये दवाएं इतना मौका देंगे कि आप आसानी से वहां तक पहुंच जाएंगे आपने तीन दवाएं ले दी है बता दी हैं, चौथी काली, का, काली तो एक रखेगा, इस चार बताएंगे तो <laughs> नहीं सर ये बायोकेमिक की शीशी आती है हार्ट की पेशेंट है जिसमें आप पर मंथ दवा खर्च कर रहे हैं तो ऐसे वैसे तो आप यूज कर सकते हैं मात्र तो, तो तीन सौ रुपए की कौन सी खाएं पहले, पहले चाय एक ही खा फिर दूसरे की खाएसरे चारों में से कालीफास नहीं लेना है उस समय फेरम फास्टम्यूर और ए, ये दवाएं आपको लेनी है जब ने आपको ने कोई ले ले, चुण मैं तो भी, 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 भी मैं। मैं जानना चाहता था मैंने होम्योपैथिक डॉक्टरों को देखा है कि वो प्रेस्क्रिप्शन नहीं लिखते होम्योपैथी एलोपैथी में तो प्रेस्क्रिप्शन वो आपको देते हैं और हेम्योपैथी में जनरली प्रेस्क्रिप्शन लिखना लोग अवॉइड करते हैं ऐसा क्यों है उसका सर मैं कारण बता रहा हूँ देखिए चूंकि मैं मेरा ये बिजनेस पार्ट नहीं है होम्योपैथ का ये मैं अपने शौक से और उसमें करता हूँ देखिए एक तो अगर मान लीजिए आपने होम्योपैथ का एक महीने का किसी से चार्ज किया दो हजार रुपया मान लीजिए किसी पेशेंट से दवा आती है बीस रुपए की आप देखिए बाजार में जो दवा मिलती है आप एक ड्रम लाएंगे तो बीस रुपए की मिल जाती है दवा तो पेशेंट के दिमाग में एक तो बात ही आती है दवा इतनी सस्ती आती है डॉक्टर इतने पैसे ले लिए दूसरा एक रीजन ये होता है तो उसमें कुछ डॉक्टर कुछ समय के लिए मान लीजिए आपको सल्फर, सल्फर दिया है या कोई भी दवा हाई प्रोटेंसी में तो उसके बाद वो कुछ दिनों के लिए प्लेसिबो देते हैं अब अगर प्लेसिबो दे रहे हैं तो पेशेंट दिखाएगा डॉक्टर ने दवा कुछ नहीं दे रहे हैं, पैसे भी ले लिए अब होता यह है कि चूंकि पेशेंट को अगर आप एक डोज देंगे उसको विश्वास ही नहीं होगा कि एक डोज से कोई पेशेंट सही भी हो सकता है इसलिए प्लेस से वो देना जरूरी हो जाता है पैद में और दूसरा दवा ना बताने का रीजन है मेरा अपना ये सोचना है कि अगर कोई पेशेंट जैसे एक बार मेरी आपसे बात हुई थी शायद आपने कहा था कान में आपकी आवाज आती है और वो डॉक्टर साहब जो आपके देहान वाले हैं वो दवा का नाम नहीं बता रहे हैं तो देखिए अगर कोई पेशेंट आपसे दवा का नाम पूछ रहा है तो, तो बता दीजिए क्या दिक्कत है हमारे हिसाब से बता देना चाहिए कोई पेशेंट पूछ रहा है वो कहते तो है बता देंगे मगर हैबिट में नहीं है उनके देने की अब है, हैविट में में नहीं... नहीं है क्योंकि वो कंफ्यूज कर देगा पेशेंट को इसलिए ना बताना ठीक है हमारे हिसाब से लेकिन अगर मान लीजिए देखिए उसमें मैं ये कहता हूँ बता इसलिए देना चाहिए जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं एलोपैथ में

इसलिए देखिए सस्ते इसलिए नहीं है क्योंकि सस्ते डॉक्टर होते हैं ये वाले एलोपैथ में तो लाखों रुपए ले लेते हैं तब वो कहते हैं ओके बाय सी यू अब उसमें पेशेंट ही मान लेता है कि डॉक्टर साहब ने ज्यादा पैसे नहीं लिया है तो अब क्या मेडिकल केस करूं मैं द... मैंने डॉक्टर साहब देखा है आजकल होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दवाइया बहुत महंगी चार्ज करते हैं जिन वैद्य के पास जाइए में होम्योपैथी में ये कोई सस्ता विधा नहीं रही गरीबों के लिए आपका सर कारण ये है कि चूंकि जो महंगी चीज होती है वो ज्यादा बिकती है यही है इसलिए हो गया दवाएं तो वही सस्ती है को तो डॉक्टर साहब आज का समय हमारा समाप्ति पे है मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हम अपना सेशन आज यहीं खत्म करेंगे और चाहेंगे कि जो सिम्टम्स आपको लिखे जाएं हमारे यूट्यूब वाले उसमें वीडियो में उसमें आप थोड़ी सी दवाइयाँ लोगों को अगर एडवाइज करेंगे तो इट विल बी इसमें सर मैं आपसे रिक्वेस्ट हमारी है कि दवाइयाँ जो है लिखना इसलिए क्योंकि सो... आदमी फिर अपने से लेने लगता है और ये एक मेरा अपना एडवाइस है कि दवा एक बार या तो आप जानते हो तो ठीक तो है वरना दवाई किसी जो आपका जानने वाला है उससे मैं नाम लिख सकता हूँ लेकिन एक बार कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए उससे क्योंकि जो सिम्टम है मालूम नहीं मैच कर रहे नहीं कर रहे हैं आपसे इसलिए एक बार मेरा अपना सोचना है कि अगर आप नहीं जानते हैं तो एडवाइस कर लेना चाहिए डॉक्टर साहब वंस अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो ज्ञान दिया